नमस्ते, हम दिवाईशी भरतेस हाई स्कूल से, मैं दीपिका जांगीर, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बबलू जांगीर 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं साहिल पाटिल, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे इस उपकरण का नाम है स्मार्ट सोलार बेंच। हमारे इस उपकरण को बनाने का मेन एम यह है कि यह बुजुर्ग लोगों के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जब भी वो सुबह या शाम के वक्त वॉकिंग या जॉगिंग कर थक कर यहाँ पर आकर बैठेंगे, तब उनको यहाँ पर आराम से बैठने के लिए सोए और वह यहाँ पर हमने किट लगाई है, जिसकी वजह से उनके मोबाइल भी चार्ज हो सकते हैं, मतलब कि वह आराम के साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं। और इस यहाँ पर हमने 2 स्पीकर्स लगाए हैं और उनकी मदद से उन लोगों को स्कैम से वो बच सकते हैं, मतलब कि उनके साथ जो उनके पेंशन से उनके जो स्कैम्स होते हैं वो नहीं होंगे। आसपास के पड़ोसी या फिर कहीं संगठनाएं उनको उनके पैसों में बढ़ोतरी होगी यह कहकर उनके पैसे जब्त कर लेते हैं, मगर जब भी वह यहाँ पर आकर बैठेंगे और यहाँ से खबरें सुनेंगे, तब उन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से अपने साथ धोखा हो सकता है और वो लोग उन धोखों से बच सकते हैं। यहाँ पर हमने एक किट बिठाया है जिसमें ब्लूटूथ और FM रेडियो आता है, और इसमें अगर आप बुज़ुर्गों के मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया तो इसमें USB केबल लगाया जा सकता है मोबाइल चार्ज के लिए। अगर जिन बुज़ुर्गों को सुनने में तकलीफ़ है तो फिर वो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। और इसमें 2 स्पीकर्स दिए है तरीके से सुनने के लिए, और इसमें एक सोलार पैनल दिया है जो सूर्य किरण की मदद से इसको चार्ज करता है, और इसमें इसके अंदर एक बैटरी है जो चार्जेबल होती है। अगर कोई नहीं बैठता है तो फिर वो सोलार पैनल और बैटरी चार्ज कर देता है खुद से। और इसके ऊपर एक लेयर एल्यूमिनियम का लेयर बिठाएंगे जिसमें डॉट होल्स होंगे जो इसको हीट करने नहीं देगा, उसको ठंडा रखेगा। हमारा यह उपकरण बनाने में हमारे स्कूल टिंकरिंग लैब मेंटर नितिन रवनकर सर और लर्निंग लिंक फाउंडेशन और डेल टेक्नोलॉजीज की सहायता से हमने यह उपकरण बनाया है। धन्यवाद।